राजधानी जयपुर में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर अहिर समाज की ओर से वीटी ग्राउंड मानसरोवर में जन जागृति सम्मेलन किया गया। देश भर से अहिर समाज के लोग इस महासम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। अहिर समाज के नेता और प्रबुद्ध जन समाज ने मंच पर आकर विचार विमर्श किए और आगे की रणनीति तय करी। इस महासम्मेलन के जरिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग की कि राष्ट्र रक्षक बलिदान के लिए भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन सहित समाज के उचित प्रतिनिधित्व मान सम्मान में विकास के लिए कृष्ण बोर्ड का गठन किया जाए। साथ ही 1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद राजा राव तुलाराम के शहीदी दिवस 23 सितंबर को राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुख्य मार्ग न्यू सांगानेर रोड को रेजांगला का नामकरण एवं रेजांगला स्मारक का निर्माण किया जाए। क्या मांगे लेकर यहाँ पर आए हैं और महिलाओं की भी बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर देखी? जो अहिर रेजिमेंट की जो मांग है वो हमारा हक है, हम मांग नहीं रहे, हम भीख नहीं मार रहे, हमारा हक है और हक के लिए आज हम लड़ रहे हैं सरकार के सामने। क्योंकि हरेक रेजिमेंट है, जैसे गोरखा है, राजपूत है, हरेक रेजिमेंट है, अहिर रेजिमेंट है, जैसे रेहांगला में सबसे ज़्यादा शहीद जो हैं वो अहिर ही हुए थे, तो हमारा हक है और हक मांगने के लिए आज सारे अहिर यानी पूरे इंडिया से सारे अहिर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देखा गया है कि जैसे चुनावी साल भी ये शुरू हो चुका है, तो क्या आपको नहीं लगता कि लोगों के मन में ये भी आएगा कि चुनावी साल को देखते हुए जैसे हर समाज आंदोलन कर रहा है अपनी अपनी मांगों को लेके, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसकी भी एक छाया आपके आंदोलन पे पड़ सकती है? नहीं, ये चुनावी तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारी मांग है अभी और ये भी है कि भाई जो भी नेता है जो भी है हमारी मांग दिल्ली तक हमको पहुँचाना है, वही तो पहुँचाएंगे ना, MP है, विधायक है, वही तो पहुंचाएंगे, इसलिए ये सारा चीज हो रहा है। उपेन जी, आज आप अहिर रेजिमेंट की ये जो आवाज उठ रही है शासन प्रशासन के सामने, आप भी यहाँ पर हैं और कई मर्तबा आपने कई लोगों की आवाजों को शासन प्रशासन तक पहुँचाया, उन्हें उनका हक दिलाया, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखो, यादव समाज से मैं आता हूँ और मेरा कर्तव्य भी मेरा धर्म भी है कि आवाज उठाना, समाज की आवाज उठाना। 18 नवंबर 1962 में 114 से ज्यादा वीर जो अहिर जो सैनिक शहीद हुए थे रेंजांगला में, चीन के 1300 सैनिकों को उन्होंने मार गिराया, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और अहिर धाम सम्मान में वहाँ बनाया गया है। तो ये सम्मान की लड़ाई है, उनके सम्मान में अहिर रेजिमेंट की मांग लगातार कई वर्षों से उठ रही है, तो अहिर रेजिमेंट बनाया जाए। इसके अलावा ये जो प्रमुख तौर पर आज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग करें, केंद्र सरकार से अहिर रेजिमेंट की मांग करें और राज्य सरकार से राव तुलाराम मार्ग की मांग कर रहे हैं, श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड की मांग कर रहे हैं और अन्य कई मांगे कर रहे हैं जो हमारे समाज के जो यादव समाज के जो आवश्यकता है, जो उनको सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, तो बड़ी संख्या में आज आवाज़ बुलंद की है। चुनाव है, चुनावों में हर समाज की भूमिका बड़ी होती है, राज्य सरकार ने हालांकि हर समाज को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है, तो ये लगातार मांग रहे हैं और आज हमने मजबूती से मांग रखी है और उम्मीद है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार तमाम मांगों को पूरा करके समाज का न्याय करेगा। और हमारा ये सम्मेलन आज बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से हो रहा है, आप लोग तो कवर कर रहे हो, आप लोग देख ही रहे हो और हमारा समाज जाग चुका है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, जो जो मांगे हमने आपके सामने रखी है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको अपने आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।